नमस्कार, आज मैं बात करूंगा बिहार बीएड की बात कीजिएगा, ठीक है। बिहार बीएड की बात कीजिएगा तो अभी 2022 से 2024 सत्र चलने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो फॉर्म भराने जा रहा है 25 अप्रैल से, यानी कि 25 अप्रैल से भरा रहा है अभी फॉर्म, ठीक है, भरा रहा है फॉर्म। जो जिसका एग्ज़ाम की बात कीजिएगा तो 23 जून को होने वाली है, और इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताया जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में कितना सीट है, ठीक है, उस तरह से आपको भरना होगा, और किस कितना सीट है, कितना कॉलेज है, किस यूनिवर्सिटी से कितना अटैच कॉलेज है और कितना सीट है, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है पूरे बिहार में, लास्ट डेट कब होगा, इस फॉर्म का लास्ट डेट कब होगा और एग्ज़ाम लेट कब होगा, वो तो जानते हैं 24 जून को होगा, और इसका सिलेबस, ठीक है, एग्ज़ाम का सिलेबस जो होगा, किस तरह का पैटर्न होगा इसका डिटेल्स आपको पूरा किया जाएगा। और ठीक है, अगले की बात कीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है मोबाइल से भी। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। राज्य भर के सभी बीएड कॉलेजों की संयुक्त नामांकन की बात कीजिएगा तो इसमें सोमवार से शुरू हो चुका है, यानी कि 25 अप्रैल से, ठीक है। इस बार लगातार तीसरे वर्ष संयुक्त नामांकन प्रक्रिया के संचालन का जिम्मा राजभवन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में जो है LNMU को दिया गया है, यानी कि LNMU के तहत ही आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, वहीं से आपको वही यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है आपका क्वेश्चन बनाएगा, सेट करेगा, ठीक है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड नामांकन प्रक्रिया संचालन के वेबसाइट 25 अप्रैल को लॉन्च करेगा, यानी कि लॉन्च हो चुका है अभी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 मई तक चलेगी, ठीक है, 17 मई तक आपका ऑनलाइन लास्ट डेट चलेगा, जिसमें आपको जो फी रखा गया है वही लगेगा, लेकिन आप इसे अगर लेट करते हैं तो विलम्ब शुल्क यानी कि फी आपका चार्ज भी लग सकता है, फाइन लगने के साथ आपका 21 मई तक आप भर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप 17 मई से पहले ही इस फॉर्म को भर दें। प्रवेश परीक्षा की बात की, यानी कि एग्ज़ाम डेट की बात की है तो 23 जून को होने वाला है, ठीक है, 23 जून को एग्ज़ाम होगा, जिसका एडमिट कार्ड आपको 9 जून को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आगे है बीएड कॉलेज प्रवेश परीक्षा कुल 11 शहरों में संभावित किया गया है, यानी कि 11 शहरों में आपका एग्ज़ाम होगा। आप जान सकते हैं कि आपके नज़दीकी वाले शहर कौन सा है, या कहीं भी आपको बीएड कॉलेज का एग्ज़ाम, ठीक है, हो सकता है, इसमें सेंटर भी रहता है। नामांकन प्रक्रिया में वे कॉलेज ही शामिल होंगे जिन्हें राज्य की किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता के साथ नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, NCTE, ठीक है, से मान्यता प्राप्त हो। बीएड कॉलेज 11 शहरों में संभावित है, जिसमें पटना, हाजीपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर और आरा शामिल है, ठीक है, यहीं पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसके बाद वे अपनी पसंद से तीन ऑप्शन दिया जाएगा जो मतलब सेंटर का तीन ऑप्शन सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें सिलेबस जो है आपका कुल 120 प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जिसमें OMRCT दिया जाएगा उसको भरना रहेगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा इसमें, ठीक है। हर प्रश्न 1 अंक का होगा, एक नंबर, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क का, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि 120 में 120 बनाकर आना है। इसके बाद दो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग 35% है, 35% रखा गया है, ठीक है, जबकि SC ST BC EBC WBC और दिव्यांग के लिए 30% अंक लाना जरूरी है। अब हम बताएंगे कि किस कॉलेज में कितना किस यूनिवर्सिटी में कितना कॉलेज है और कितना सीट है उसका, ठीक है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय की बात कीजिएगा तो पटना विश्वविद्यालय में 58 टोटल अटैच कॉलेज है, जो आपको 58 है, जिसमें 6500 सीट है, ठीक है, 6500 BRA बिहार विश्वविद्यालय, ठीक है, 59 कॉलेज है जिसमें 6300 यानी कि 6300 उसमें सीट है। मगध विश्वविद्यालय जो है आपका 47 कॉलेज उसके अंदर आता है, और उसके अंदर जो है आपको 5900 सीट होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 33 कॉलेज है, 3500 सीट होगा उसमें। MMH विश्वविद्यालय जो है 31 कॉलेज और 3100
50 सीट होगा उस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 32 कॉलेज में 2900 सीट है। वीर कुंवर सिंह 20 कॉलेज उसे उसके अंदर और 2350 सीट है उसमें। तिलका मांझी भागलपुर में, तिलका मांझी 14 कॉलेज उसके अंदर आता है, 1500 सीट है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय 14 कॉलेज है उसमें, 1400 सीट है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय 13 कॉलेज उसके अंदर आता है और 1350 सीट है उसमें। पूर्णिया विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज उसके अंदर आता है और 1000 करीब सीट है। मुंगेर विश्वविद्यालय में 5 कॉलेज अंदर उसके अंदर आता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर और 500 सीट है। पटना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 3 कॉलेज मात्र उसमें उसके अंदर आता है और 300 सीट है जो कि। और KSDS ठीक है, KSDS कॉलेज है विश्वविद्यालय है उसके अंदर मात्र 1 कॉलेज अंदर आता है जिसमें मात्र 100 सीट है ठीक है। तो इसको देख के आपको फॉर्म भरना है ठीक है। धन्यवाद।